वो ऐतिहासिक क्षण आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है, और यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये जबरदस्त है। जबरदस्त इसलिए है क्योंकि जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन, हर तरीके की ट्रेन आदमी सोचता है कि हाँ ये चलेगी, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि डबल डेकर ट्रेन है ये, और ये ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है। और ख़ास बात यह है कि जब हम स्पीड की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जब स्पीड की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कंटेनर ट्रेन चलाई जा सकती है। और इसको बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन रवाना हो रही है यहाँ से। और ये ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि पहले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फिर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू हुआ। दो सेक्शन ओपन हो चुके हैं और जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से देखिए किस ट्रेन जा रही है, ये देखिए, ये ऐतिहासिक लम्हा है। निश्चित तौर पर 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से स्पीड पकड़ रही है। न्यू अटेली से ये जा रही है और न्यू किशनगढ़ के लिए, जो कि अजमेर के पास में है। एक लंबा सेक्शन ओपन हो रहा है, 306 किलोमीटर लंबा सेक्शन है जिसको ओपन किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ओपन किया है। और यहाँ पर ट्रेन देखिए कितनी लंबी ट्रेन है, और इसमें दो दो इंजन लगे हुए हैं। एक इंजन, पहले इंजन की बात करें तो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है, आसाम का इंजन है, जिससे ये ट्रेन खींची जाएगी। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा भी इंजन अभी पास में ही आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कंटेनर बड़ी आसानी से स्पीड पकड़ रहे हैं। और इस तरीके की ट्रेन आपने शायद ही पहले कभी देखी हो, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है भारतीय रेलवे में कि अगर हम ट्रेन की बात करें, डबल कंटेनर ट्रेन की बात करें जो कि इलेक्ट्रिक लोको से, ये देखिए ये दूसरा इंजन है जो कि 9,000 हॉर्स पावर का इंजन है। तो एक तरफ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेन देखिए किस तरीके से स्पीड पकड़ रही है। आने वाले दिनों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर आपको इसी तरीके की लंबी लंबी मालगाड़ियाँ चलती हुई नज़र आएंगी। और अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे का दावा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्टेंस में, ऐसा नहीं कि दुनिया के और जगहों पर ऐसी ट्रेनें नहीं चलती हैं, चलती हैं, लेकिन इस तरीके की ट्रेनें जो इलेक्ट्रिक लोको खींच रहा हो, ऐसी ट्रेनें नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में 1504 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जल्द ही जब पूरी तरीके से खुल जाएगा तो निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके में खुशहाली लाएगा, क्योंकि माल का परिवहन इससे बड़ी आसानी से होगा। और दूसरी बात है, पैसेंजर गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपने आप में जब यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक लम्हा है। और आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम लंबी लंबी ट्रेनें आपको इस ट्रैक पर चलती हुई नज़र आएंगी। सिद्धार्थ, न्यू अटेली न्यूज़ स्टेशन।